अरे क्या मोदी जी, कैसा ऑटो रिक्शा रखते हो, हर दूसरे दिन खराब हो जाता है। और तुम मेरी घोड़ा गाड़ी पे ले जाते हो इसे लाद के, किराया बहुत कम देते हो तुम मैकेनिक के पास ले जाने के लिए इस ऑटो रिक्शा का। तो मैं राहुल, किराया कम लगता है, एक तो मेरा ऑटो रिक्शा खराब होता रहता है, पूरा 50 का नोट देता हूँ मैं अपने ऑटो रिक्शा को मैकेनिक के पास ले जाने के लिए। अरे राहुल, दो सवारी आ रही है, यात्री आ रहे हैं, दो क्या करें, बैठा ले। हाँ मोदी जी, बैठा लो, भाड़ा पहले तय कर लेना, जहाँ पर भी जाए वहाँ तक का इनसे। अरे ये तो योगी जी और अखिलेश है, कहाँ जाओगे दोनों लोग बताओ। अरे मोदी जी, पुराने बाजार जाना है। पुराने बाजार चल रहे हो क्या? हाँ वही जा रहा है मेरा ऑटो रिक्शा। भाड़ा क्या दोगे बोलो? अरे भाड़ा कोई नया थोड़ी बन के आएगा, 5-5 रुपए देते यहाँ से पुराने बाजार तक। चलो ठीक है, बैठ जाओ मेरे ऑटो रिक्शा में। अरे मोदी जी, बार बार तुम अपने ऑटो रिक्शा पे जोर क्यों दे रहे हो? इनसे जो भाड़ा मिलेगा वो मैं रखूंगा अपने पास, कह देता हूँ मैं। राहुल तुम रखने वाले कौन होते हो? मेरे ऑटो रिक्शा में ये बैठ के जाएंगे, भाड़ा मैं लूंगा या तुम लोगे? और तुम्हारा ऑटो रिक्शा किसके ऊपर रखा हुआ है? अरे तुम्हारा ऑटो रिक्शा मेरी घोड़ा गाड़ी के ऊपर है के नहीं है? मैं तुम्हारे ऑटो रिक्शा को अपनी घोड़ा गाड़ी के ऊपर ले जा रहा हूँ। घोड़ा गाड़ी के ऊपर ऑटो रिक्शा को ले जा रहे हो? फ्री में ले जा रहे हो, 50 का नोट नहीं दे रहा हूँ मैं। अच्छा ये बताओ, मैं सवारी बैठा लूंगा, अभी कहाँ बैठा लूंगा? अपने ऑटो रिक्शा में तो बैठा लूंगा, तुम्हारे घोड़ा गाड़ी पे बैठने की जरा सी भी जगह है? भाई लोगों, आप ही बताओ, योगी जी अखिलेश, इस भाड़े का हकदार कौन होगा जो तुम लोग हमको दोगे, बताओ? मेरे हिसाब से आधा आधा कर लो दोनों लोग। अरे नहीं अखिलेश, तुम गलत बोल रहे हो, भाड़े का हक सिर्फ मोदी जी का हुआ, क्योंकि अपना उन्हीं के ऑटो रिक्शा में तो बैठेंगे। फिर योगी जी तुमने गलत बात कर दी, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आता हूँ। ऑटो रिक्शा किसकी घोड़ा गाड़ी के ऊपर रखा हुआ है? राहुल की घोड़ा गाड़ी के ऊपर रखा हुआ है कि नहीं है, ये बताओ। अखिलेश यही बातें मुझे पसंद नहीं है, तुम बेफालतू में जितने लगते हो। अरे घोड़ा गाड़ी के ऊपर रखा हुआ है उनका ऑटो रिक्शा, तो ऑटो रिक्शा मैकेनिक के पास ले जाने का क्या राहुल किराया नहीं लेता होगा? योगी जी मुझे तुम्हारे साथ जाना ही नहीं है, मैं अभी छोड़ता हूँ, मैं तुम्हारा साथ नहीं जाऊंगा मैं कहीं पुराने उराने बाजार। लो भाई सवारी तो अपने आप भाग गई, चलो आगे कोई भी सवारी मिले मत बैठाना आप। महीनों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रोको भाई रोको, मोदी जी यहीं पे रोक लो अपनी मोटरसाइकिल को। अरे योगी सर जी, कोई मैं मोटरसाइकिल को थोड़ी रोकूंगा, घोड़ा गाड़ी को रोकूंगा। अरे मोदी जी मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, तुम अपनी मोटरसाइकिल को यहीं रोको। तुम मोटरसाइकिल के ऊपर बैठे हुए हो क्या, नहीं हो ये बताओ मुझे। जी चलो, मैंने अपनी घोड़ा गाड़ी को रोक लिया, घोड़ा गाड़ी के ऊपर मेरी मोटरसाइकिल है, खराब हो गई है, सही करवाने के लिए ले जा रहा हूँ। अरे मोदी जी बैठे हुए तो तुम मोटरसाइकिल के ऊपर हो, समझे? बात तो बिल्कुल सही है, बैठा हुआ तो मोटरसाइकिल के ऊपर ही हूँ मैं। मोटरसाइकिल पे बैठे हुए हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, तो तुम्हारा हेलमेट कहाँ गया? हेलमेट के बिना तुम्हें मालूम नहीं है चालान कट जाता है? तुम्हारा चालान काटूंगा मैं। अरे योगी जी कैसी अजीबोगरीब बात करती हूँ। अरे मैंने मोटरसाइकिल को सिर्फ घोड़ा गाड़ी के ऊपर रख रखा है, उसी के ऊपर मैं बैठा हूँ, तो चालान कैसे कर सकता है? मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे एक बात साफ साफ बताओ, तुम रोड पे चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? जी बिल्कुल सही, मैं चल रहा हूँ इस टाइम रोड पे। किस चीज के ऊपर बैठ के चल रहे हो तुम? जी घोड़ा गाड़ी के ऊपर मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल के ऊपर मैं बैठा हूँ। अरे भाई फिर तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, तुम मोटरसाइकिल पे भी चल रहे हो, रोड पर भी चल रहे हो, और तुम्हारा हेलमेट है नहीं, तो तुम्हारा चालान तो मैं जरूर काटूंगा। अरे योगी जी कैसे तुमने मुझे धर्म संकट में डाल दिया, तुमने तो मुझे बुरी तरीके से फांस दिया, मैं क्या करूं? अरे पत्रकार अखिलेश यादव आ गए। जी अखिलेश जी, आप ही मेरा इंसाफ करो। जी मोदी जी बोलिए, मेरा काम तो इंसाफ करना है, आप बताइए क्या बात हो गई? ये योगी जी हेलमेट के ऊपर मेरा चालान काट रहे हैं, आप ही पूछो ये चालान क्यों काट रहे हैं, जबकि मेरी मोटरसाइकिल तो घोड़ा गाड़ी के ऊपर है। अरे भाई योगी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप मोदी जी का चालान क्यों काट रहे हैं? अरे भाई अखिलेश, अगर ज्यादा रूल नियम तुम्हें ना पता हुआ करे तो बीच में मत बोला करो। ये बताओ, ये मोदी जी मोटरसाइकिल पे बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? जी बैठे तो हैं ये मोटरसाइकिल पे। ये रोड पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, आप ही बताओ। चल तो रहे हैं रोड पे। अब ये रोड पे भी चल रहे हैं, मोटरसाइकिल पे भी बैठे, इनका हेलमेट नहीं है, बताओ ट्रैफिक नियम के हिसाब से इनका चालान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे भाई मोदी जी अपने आप निपटो, मैं तुम्हारे बीच में नहीं पड़ूंगा। तुम भी तो अजीबो गरीब कारनामे करे फिरते हो, मोटरसाइकिल को घोड़ा गाड़ी के ऊपर रखे हुए हो, ऊपर से उस पे बैठे हुए हो, चालान तो कटेगा ही कटेगा। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे योगी जी क्या बताऊं, मैंने तुम्हारे बुलडोजर पे बैठ के जान आफत में डाल ली। अरे मुझे कोई ऑटो रिक्शा बस नहीं मिला तो आप मिल गए। फिर योगी जी आप बोले कि मैंने अपने बुलडोजर पे सवारी ढोने का काम चालू कर दिया है, क्योंकि खुदाई उदाई तो आजकल कहीं हो नहीं रही है। मैं तुम्हारे बुलडोजर पे बैठ गया, तुमने कहा नदी में से ले जाऊंगा बुलडोजर को, अब तुमने अपने बुलडोजर को सवारियों से ओवरलोड कर रखा था, बीच नदी में फंस गया बुलडोजर, बताओ क्या करा जाए? अरे राहुल क्या बताऊं, मुझे भी कोई बस नहीं मिली तो मुझे भी इनका बुलडोजर मिल गया। अरे योगी जी अगर
बुलडोजर पे सवारी ढो रहे हो, कम से कम इस पे सीटें लगा दो बैठने के लिए। अब ये बीच नदी में फांस लिया तुमने अपने बुलडोजर को, वो देखो लालू जी नदी में गिर गए। अरे लालू जी बिल्कुल पकड़ के नहीं बैठती हो, तुम कैसे गिर गए नदी में? और अखिलेश राहुल ये बताओ, मैंने तुम्हें जबरदस्ती बैठा ला था अपने बुलडोजर पे। अरे इस रोड पे ऑटो रिक्शा और कोई बस चलती नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने बुलडोजर से सवारी को इधर से उधर पहुंचाऊं। अरे नाव से इंस्पेक्टर मोदी जी आ गए और ये तो मेरे बुलडोजर के ऊपर चढ़ गए। अरे मोदी जी क्या बात है बोलिए। अरे क्या बात है, क्या बातें करते हो योगी जी, ये बताओ तुम्हारा बुलडोजर खुदाई करने के लिए है? जब मैंने देखा बीज नदी में कोई बुलडोजर फंसा हुआ है, मैं तुरंत समझ गया ये योगी जी का बुलडोजर है, क्योंकि सवारी ढोने का काम तुम ही कर रहे हो बुलडोजर से। आज तो मैं तुम्हारा चालान काटूंगा ही काटूंगा बुलडोजर का। अरे लालू जी तुम बुलडोजर के ऊपर से कैसे गिर गए, जल्दी ऊपर आओ या मैं कोई रस्सी फेंकूं। अरे मोदी जी तुम मेरी फिक्र छोड़ो, नदी का पानी मेरी गर्दन तक है, मैं नहीं डूबूंगा। बस मेरी एक ही ख्वाहिश है, तुम योगी जी के बुलडोजर का तुरंत चालान काट दो। अरे ये इतनी सवारी बैठाते हैं, ओवरलोड बैठने तक की जगह नहीं है, मैं नदी में गिर गया। अरे मोदी जी मैं चालान से बचने के लिए नदी के रास्ते से सवारी ढोता था एक गांव से दूसरे गांव, लेकिन तुम तो नदी में भी आ गए चालान काटने के लिए। अरे योगी जी हमारा नाम मोदी इंस्पेक्टर है, हम कहीं पे भी पहुंच जाते हैं। अच्छा जो भी लोग बैठे हो, मैं सबसे राय पूछता हूँ, इनके बुलडोजर का चालान काटना चाहिए कि नहीं काटना चाहिए? सिद्धू जी आप बताओ। अरे मोदी जी मत काटो इनके बुलडोजर का चालान, मुझे जल्दी जल्दी पंजाब पहुंचना है। अरे मोदी जी सिद्धू जी की बातों में मत आना, काट दो इनके बुलडोजर का चालान। मेरे हिसाब से राजनाथ सिंह जी गलत कह रहे हैं, मत काटो चालान। अरे नहीं मोदी जी, ये ओवरलोड लेके चलते हैं अपने बुलडोजर को, चालान काट दो। अरे कैसा तुम लोगों ने कंफ्यूजन में डाल दिया, कुछ लोग चालान काटने को कह रहे हो, कुछ लोग नहीं कह रहे हो। फिलहाल योगी जी आज तो मैं छोड़ता हूँ, लेकिन आगे से अपने बुलडोजर पे सवारी बिल्कुल मत ढोना। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।